हमें जो लगे थे दवा कॉलोनी में जो कप निकाल लिए, मेरी संज्ञान में भी अभी अभी आया है और उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि खम्भे कब निकाल लिए। सुना आपने, यह हालात है सिवनी मालवा नगर पालिका के। विगत समय भ्रष्टाचार को लेकर बदनाम हुई नगर पालिका, बाद में हालात कुछ यूं हुए कि नगर पालिका के पास अपने कार्यालय का बिजली का बिल भरने का पैसा तक नहीं था। आज के समय हालात कुछ यूं हैं कि सीएमओ की बातें कर्मचारी ना सुनते हैं, या फिर कुछ यूं कहे कि कर्मचारियों का रुबाब इतना ज़्यादा है कि सीएमओ बेबस हो गए हैं। कर्मचारी कुछ भी करने के पहले इसकी जानकारी ना तो सीएमओ को दे रहे हैं, या फिर जो काम करना है वो कर सीएमओ को बता भी नहीं रहे हैं कि किया क्या है। पहले हम मामला समझ लेते हैं। यह पूरा मामला तवा कॉलोनी के पास बनने वाले मॉडल रोड का है। विगत समय तवा कॉलोनी में नगर पालिका ने एक मॉडल रोड स्वीकृत किया था, जिसमें बिजली के खंभे बीच में शिफ्ट कर एक सौंदर्यीकरण कर रोड बनाया जाना था। तवा कॉलोनी के अंदर लगभग 20 लाख रुपए की लागत से एक वीआईपी सड़क बना रही थी, जिसमें बिजली के खंभे, बीच में डिवाइडर, दोनों ओर सड़कें, साथ ही पौधारोपण के साथ आकर्षक लाइट लगना था। कारण जो भी रहे हो, नगर पालिका ने खंभे तो लगा दिए लेकिन सड़क नहीं बन पाई। इस सड़क पर शिवराज पार्क, नगर पालिका का मांगलिक भवन और स्विमिंग पूल जाने का रास्ता है। पिछली परिषद ने प्रस्ताव पास कर वीआईपी सड़क की स्वीकृति दी थी, हालांकि सड़क के नाम पर एक साल में कुछ भी नहीं हुआ। अलबत्ता बिजली के खंभे जरूर लग गए। रातों रात नगर पालिका के एक इंजीनियर चंद्रकांत जी का नाम सामने आता है, जिन्होंने रातों रात यह खंभे उखाड़ दिए। इंजीनियर साहब यही नहीं रुके, ना तो उन्होंने खंभे उखाड़ने की सूचना सीएमओ को दी, ना खंभा उखाड़ने के बाद इसकी जानकारी सीएमओ को देना उचित समझी। जब हमने सीएमओ से बात की तो सीएमओ ने पूरे मामले से अभिनग्यता जता दी। वहीं जब मामला नगर पालिका के प्रशासक और एसडीएम बीएन सिंह के पास पहुंचा, तो उन्होंने सीएमओ इंजीनियर को तलब किया, जिसके बाद हाल ही सिवनी मालवा कुछ इस तरह बयां हुआ। ये मेरी जानकारी में तो आया था कि वहां पे तवा कॉलोनी में डिवाइडर बना करके खंभे लगाए गए थे, तो वो खंभे सब इंजीनियर के द्वारा, जो नगर पालिका का सब इंजीनियर है उसके द्वारा निकलवा करके रखवा दिए गए हैं। मैंने उससे सीएमओ और इंजीनियर से जानकारी ली, उनके द्वारा बताया गया कि वहाँ रहने वाले लोगों के द्वारा उसमें बार बार शिकायत की जा रही थी कि वो खंभे बीच रोड में लगा दिए गए हैं, कोई रोड का चौड़ीकरण हो नहीं रहा है, गाड़ियाँ निकालने में दिक्कत हो रही है, इस कारण से उन्होंने वो खंभे निकाल के नगर पालिका के पोजेशन में रख लिए हैं। रोड के लिए जैसे कोई राशि या पैसा आता है या वो योजना चालू होती है तो उसमें डिवाइडर बना करके पुनः खंभों को लगवाया जाएगा, ऐसा सीएमओ के द्वारा मुझे बताया गया। हमने जो लगे थे दवा कॉलोनी में जो कप निकाल लिए, मेरी संज्ञान में भी अभी अभी आया है और उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि खंभे कब निकाल लिए। अभी इसकी जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की।